सविता स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम और आप मिलकर बनाते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए 3 कटोरी मैदा ली है मैंने। अब इसको छान लेंगे। इसमें 1 छोटे चम्मच सोडा डालिए, बेकिंग सोडा। 3 कटोरी मैदा लीजिए हमने, तो 6 बड़े चम्मच घी डालेंगे। एक कटोरी से थोड़ा सा कम है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा खाली है ये। इतना ही दही डालेंगे, दही ठंडा होना चाहिए और ताज़ा दही दें आप। घी भी शुद्ध घी डालें बालूशाही बनाने के लिए। इसमें 2 छोटे चम्मच दूध डालें, ताज़ा दूध ले, ठंडा दूध होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसे आटे की तरह नहीं सानेंगे, हल्के हल्के हाथों से सान लेंगे। इस तरीके से सान लें और आधे घंटे के लिए इसे ढक कर रख देंगे गीले कपड़े से। बालूशाही बनाने के लिए एक पैन लेंगे और इसकी चाशनी बनाएंगे। 2 कटोरी शक्कर डालेंगे और 1 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। चाशनी तैयार हो चुकी है। अब एक कढ़ाई रखेंगे गैस पे और इसमें ऑयल डालेंगे। अब ये आटा सेट हो चुका है, इसे गीले कपड़े से भिगो कर रख दिया था। आधे घंटे हो चुके हैं। रोटी की तरह नहीं सानेंगे इस आटे को, हल्के हाथों से इसे ठीक कर लें। अब इसकी गोल गोल बाटी की तरह बना लें। आप अपने हिसाब से साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों तरफ से छेद करें ताकि ये अच्छे तरीके से सिक जाए और इसमें चाशनी भी अच्छे से चली जाए, इसलिए आप इसमें दोनों तरफ छेद करें। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बालूशाही डाल लेती हूँ एक एक करके। तो इसे डालते समय आप एक साथ ना छोड़ें, एक एक करके छोड़ें। तेल बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, तेल इतना गर्म होना चाहिए कि उसके बुलबुले बनने लगें। बालूशाही के आसपास बुलबुले उठ रहे हैं, देखिए। लो फ्लेम पे सेके बालूशाही, और तेल ज़्यादा गर्म लगे तो फिर कभी कभी गैस भी बीच बीच में बंद कर दें। ये देखिए, ये छोटी सी थी और फूल के बड़ी हो गई है। इसे पलटे नहीं जब तक ये एक तरफ से लाल ना हो जाए, जब तक इसे छुए नहीं, नहीं तो ये टूट जाएगी। अब थोड़ी सी गैस के फ्लेम को मैं बढ़ा रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी सख्त तो हो जाए, थोड़ी सी अंदर से लाल हो जाए और कड़क हो जाए, इसलिए गैस मैंने फ्लेम को बढ़ा दिया है। अब इसे पलट लेंगे। बालूशाही तैयार है, देखिए सुनहरी कलर की हो गई है ये। अब इसे एक एक करके चाशनी में डाल देंगे।
चाशनी में डालकर इसे तुरंत निकाल ले, नहीं तो नरम पड़ जाएगी ये तो। फिर बनसाई बनकर तैयार है। मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए, साथ ही मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।